So Gwadar, long awaited, first time, first day, first recce, 125 kilometer raw, unbelievable experience. My words cannot actually define. Bismillahir Rahmanir, mera naam Tala Iqbal Rais hai. मैं गवादर ऑफ रोड वैली का सीईओ हूं. गवादर का जो हमारा ट्रेन है वो सब जगहों से डिफरेंट है. इसमें सी है, सैंड है, माउंटेन्स हैं. गवादर ऑफ रोड रैली इस सीज़न की सबसे पहली रैली है जिसमें पूरे मुल्क से और इवन हमारे दोस्त ममालिक से कुछ ड्राइवर शिरकत कर रहे हैं और ये बिलाशुबा एक यूनिक इवेंट है. और तमाम आने वाले मौजूदा मेहमानों को मैं राजा अतरबास, असिस्टेंट कमिश्नर गवादर, हुकूमत बलोचिस्तान की जानब से गवादर में खुश आमदीद कहता हूँ. गवादर रैली क्वालिफाइंग राउंड और बहुत सख्त मुकाबला है. अभी तक हाईएस्ट जो अर्लीस्ट टाइम मेरा ख्याल है नाजिर मक्सी साहब हैं 1:17, शोएब मलिक बहुत अच्छा टाइम है. लेट्स सी हमारा क्या बनता है. क्वालिफाइंग ट्रैक के ऊपर आए हुए हैं अभी, इंशाल्लाह अभी हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं. फॉर द बेस्ट देखें होता है क्या है. वैसे बड़ा स्पीडी ट्रैक क्योंकि अभी तक 117 to 125 टाइम आ रहा है लोगों का और वीडियो में ही देखा है अभी, तो देखते हो कैसा. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल शादी खेल है और मैं मियांवाली से ताल्लुक़ रखता हूँ. गवादर रैली में इस दफ़ा को मिला के ये मेरी तीसरी रेस होगी और गवादर एज़ ऑलवेज एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और हर किस्म की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं और ट्रैक भी बहुत अच्छा है. दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसी से हमारा आधा फैसले होते हैं. इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे और आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे. सच्चे में तो होंगे डर लगेगा लेकिन इंशाल्लाह देखते क्या होता है. बशीर अहमद देर की से आया हूँ, सिंध से, वोट की से. हर पार्टी में पहले मैंने ये जॉब पहले आया था इधर, वो 2017 में फर्स्ट नंबर लिया था. इंशाल्लाह ताला हम मुतमईन है, देखेंगे फिर आगे क्या होगा. कोशिश तो हर बंदा अपनी करता है जी. आज गवादर ऑफ रोड रैली का क्वालिफाइंग राउंड का दिन है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्वालिफाइंग बेहतर टाइम में आए ताकि जो रेसिंग फायरिंग ऑर्डर है वो रेस डे पर इंशाल्लाह बेहतर हो. सोहेल खातम गुया ईरान से, ईरान चावर, इधर पूरा टीम में आ रहा हूँ रेस के लिए. साहिबजादा सुल्तान जी, टीम सुल्तान से. अभी क्वालिफाइंग राउंड शुरू है, बड़ी ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा देखने को मिल रहा है और इसकी खूबसूरती ये है कि छोटे ट्रैक के अंदर और थोड़े टाइम के अंदर आप तमाम जो जिन रेसर्स को आप पसंद करते हैं, जिनको आप सपोर्ट करते हैं, जिनको देखने के लिए आप हज़ारों या सैकड़ों मील सफ़र करके आते हैं, उनको देखने का मौका मिलता है आपको. गवादर रैली जी शुरू हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइंग राउंड है और बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है क्वालिफाइंग का, तो देखें इंशाल्लाह क्या पोजीशन आती है. और आज की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है क्वालिफाइंग पे. जो आर्मी ने जिस तरह इसको सिक्योर किया हुआ है, ट्रैक को, पूरे शहर को, पूरे रास्ते को, कमेंडेबल. और ये और जिस तरह दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रेसर्स एंड एवरीवन इज ब्यूटीफुल. 2016 में जब मैंने कराया था तो तकरीबन 40 के करीब गाड़ियां थे. उसके बाद 2017 डायरेक्ट जंप कर गए 80 गाड़ियों पे, क्योंकि मैनेजमेंट जो एक मैनेजमेंट होती है रेस को वही उसकी खूबसूरती होती है. इंशाल्लाह हम ट्रैक को देखते हुए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट टाइम आ सका जाए. मैं और मेरे साथ को ड्राइवर हैं फिरोज़ खान साहब, इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करेंगे. 3 साल के बाद दोबारा गवादर रेस हो रही है तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है. गवादर पाकिस्तान की इकोनॉमिक शाहरग है और गवादर में यहाँ आने का मकसद हमारा न सिर्फ इस खेल की प्रमोशन और इस खेल को के फ़रोग के लिए आना है बल्कि हम पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक शाहरग को भी और इस इलाके को प्रमोट करने के लिए भी आए हैं. देखें जी, अब अपनी कैटेगरी में कोशिश करेंगे. हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो नंबर वन आए, अब हम कोशिश करेंगे फिर इंशाल्लाह जो भी होगा. मैं 2012 से रेस कर रहा हूँ
तो रैली की जितनी फ्रेटर्निटी है वो सब एक फैमिली की तरह है, तो वो जहाँ पे रैली होती है तो सब लोग अपनी मसरूफियात छोड़ के वहाँ पे जाते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, और हम सब लोग चाहते हैं कि इवेंट ग्रो करे, तो इस वजह से सब लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, हर इवेंट पे जाते हैं, और गवादर तो एक मस्ट इवेंट है सबके लिए। क्रेजी ग्रे कलर की पहाड़ियाँ विद वाइट टोन्स कहाँ होती हैं यार, और ब्लू कलर का इतना ब्लू समुंदर, अमेजिंग यार, आई एम ब्लोन अवे, इट इज गोइंग टू स्टे विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बेसिकली इस रैली के इनेकाद का मकसद यहाँ पे सियाहत का फरोग है, ताकि लोगों तक हमारी जो कुदरती खूबसूरती से मालामाल इलाके हैं इनके जो व्यूज़ हैं वो पहुँचें, और उसके बाद हम वी आर फुली रेडी कि लोग आएँ गवादर में, हमें खिदमत का मौका दें, हम मेहमान नवाज लोग हैं, इंशाल्लाह ताला लोगों को हम भरपूर लुक आफ्टर करेंगे। बलोचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।